सर ये हरीश धामी जी कहाँ हैं आजकल? हरीश धामी उत्तराखंड में ही है। ठीक उत्तराखंड है, में? उनकी कुछ नाराजगी है। बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तराखंड में ही है, और आपको हमसे ज्यादा जानकारी होगी कि आजकल कहाँ है। नहीं नहीं सर, मेरे विधायक नहीं है ना, ये विधायक तो आपके हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। नहीं, आपकी नजर डाला है हमसे ना उन पर। नहीं नहीं सर, संपर्क संपर्क में है आप लोगों के कि नहीं, या संजीव वर्मा जी से फोन मिलवाऊं? देखिए, मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता हरीश धामी के बारे में कि वो किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में नहीं है। क्यों, विधायक तो आपके, दूसरी आपको बात, मालूम दूसरी, किसके दूसरी, संपर्क में? दूसरी, दूसरी बात, हाँ बताइए। विधायक तो आपके, आपको मालूम होगा ना किसके संपर्क में है? नहीं, वो संपर्क में है, अभी हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में, ठीक है, लेकिन उनसे क्या बातचीत उनकी हो रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात चल रही थी कि असंतोष है ये और सब लोग नाराज हैं, ऐसी स्थिति कुछ नहीं है। हाँ, ये होता है कि जब अगर मान लिया मैं किसी पद को या किसी टिकट की मैं मांग करता हूँ, नहीं अगर मान लिया मुझे मिलता है या मैं उस लाइन में हूँ, तो कुछ दिन के लिए निश्चित रूप से मन थोड़ा उदास होता है। और कई लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि वो उस लाइन में होते हैं तो अगर नहीं बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा उनको एक दुख तो होता है, तो वो चीज है। लेकिन ऐसा होता कोई नहीं बीजेपी है के यहाँ कि की जो गुटबाजी का कोई हिस्सा हो, जिसमें ये गुटबाजी का कोई हिस्सा हो या कोई छोड़ के जाना चाह रहा हो, ऐसा कोई स्थिति कहीं पर भी दूर तक नहीं है। अच्छा, तो आपके यहाँ होता है तो बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं होता ये? बीजेपी की आप देख लीजिए, जब भी हरीश धामी जी आज की तारीख में जहां पर भी नजर आ रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार में हर दूसरे दिन पिछले 10 दिन में 12 दिन में प्रोग्राम लगा है हरीश धामी जी का, और सॉरी हरीश धामी कह रहा हूँ, पुष्कर धामी जी का, मुख्यमंत्री का, और हाँ। कहीं पर भी मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष है कहीं पर भी उनके साथ खड़े हुए नजर अगर आए हो तो। लेकिन अच्छा, मीडिया की नजर उन पर नहीं जाती, क्योंकि मीडिया उनको नजरअंदाज करता है और सवाल खड़े करने का काम कांग्रेस पर करता है। दूसरी बात यह है कि आज उत्तराखंड में क्या काम होना है क्या नहीं होना है, आज की तारीख में पूरी सरकार बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है जैसे कि आराम के मूड में है, और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पुष्कर धामी चुनाव जीत के आएंगे तो उसके हिसाब से आगे सरकार चलेगी। इस पूरे समय, इस पूरे कार्यकाल में, अच्छा, अभी तो यानी आप ये कह रहे हैं आप लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं? पूरा पूरा आप लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं? ओके ओके, मैं मान गया आपकी बात। मैं ये कहना हाँ, चाहता हूँ, पूरी सरकार कुछ और इस पर है पर, और उत्तराखंड का नुकसान कर रही है उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, आप कांग्रेस पर नजर कर रहे हैं, बीजेपी की जो गुटबाजी चल रही है उस पर कोई सोचने को तैयार नहीं है, उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है उस पर कोई सोचने को तैयार नहीं है। भास्कर जी, भास्कर जी, भास्कर जी रुकिए तो सही, भास्कर जी रुकिए तो सही, आज हम जो सवाल आपसे आपसे करूंगा ना, जो सवाल संजीव जी से वो संजीव जी से करूंगा, आपसे मेरा सवाल ये है, आपने कहा हमारे यहाँ सब कुछ भला चंगा, ऑल इज वेल, हरीश रावत जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, हमारे यहाँ गणेश गोदियाल जिंदाबाद, ओके, मैं तीनों के बयान आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक मिनट सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए। हरीश रावत जी कहते हैं हम क्षेत्रीय संतुलन साधने में पीछे रहे, ध्यान से सुनिएगा जो कह रहे हैं, हम क्षेत्रीय संतुलन साधने में पीछे रहे, इस संतुलन को पार्टी नेतृत्व द्वारा सुधारा जाना चाहिए, असंतुलन को साधा जा सकता है, सब मिलकर काम करेंगे, क्षेत्रीय समीकरण को बहुत तरीके से जल्द सही किया जाएगा, जिन नेताओं को अब आगे जिम्मेदारियां दी जाएंगी उसमें कोशिश रहेगी कि उनकी संख्या गढ़वाल से ज्यादा हो। अब मुझे एक बात बताइए, जब वो खुद महत्वपूर्ण पद पर थे, सारी जिम्मेदारियां उनके पास थी, ये गणेश गोदियाल जी कहां से थे और प्रीतम सिंह कहां से थे? कहां से थे? नहीं, गढ़वाल से थे, वही पूछ रहा हूं सर आपसे, कहां से थे? गढ़वाल से थे, गढ़वाल से थे, गढ़वाल से थे। नहीं, मैं बात सुन रहा हूं, मैं नहीं, बात सुन रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि आज आपको असंतुलन दिखाई देता है, तब कल संतुलन था, मतलब हरीश रावत जी चोक चित भी मेरी और पट भी मेरी। मैंने मैंने मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू, मैंने आपके इसी मंच पर, आपके इसी कार्यक्रम में मैंने एक बार पहले भी कहा था कि कांग्रेस के लोग कोई भी बात कहना चाहते हैं खुले रूप से बोल देते हैं। अच्छा, हम लोग इस बात का, एक मिनट, मैं वही कहना आपके, चाहता हूं, आपके गणेश गोदियाल जी का पढ़ूं, उन्होंने क्या कहा? आपके गणेश गोदियाल जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं प्रभारी को, अपने प्रभारी को देवेंद्र यादव को, कहते हैं उनकी तपस्या को, उनकी तपस्या को हाई कमान तक पहुंचाया नहीं गया, आपकी कमी रही, प्रभारी को कह रहे हैं आपकी कमी रही, उनकी पार्टी के लिए तपस्या हाई कमान तक पहुंचाई नहीं गई, मैं एक पक्ष की गोद में जाकर कभी नहीं बैठा, ये लोकतंत्र है आपकी पार्टी में ना, यही आप समझा रहे हैं मुझे?
यही तो लोकतंत्र है जो सबके सामने बातें बोलते हैं, ये लोकतंत्र नहीं है ना कि एक और लोकतंत्र घुमाकर चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं, एक और लोकतंत्र धामी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और उसके बाद भी कोई सवाल खड़े नहीं करता है। हम लोग तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, जनता को अपना परिवार मान रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कही थी। एक और लोकतंत्र खुलेआम सब बातें सबके सामने बोलते हैं आपके प्रदेश प्रभारी। अब देखिए बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मतलब जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होगी, प्रदेश प्रभारी का कोई जिम्मा नहीं, जिसके नाम पर खुलेआम बगावत हुई, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, आपके नेताओं ने आरोप लगाए, आलाकमान कह रहे हैं ऑल इज वेल बेटर गुड। जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उसने मेहनत की, उसको कहा इस्तीफा दे दो। मतलब प्रदेश प्रभारी की कोई जिम्मेदारी नहीं और प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा दे दो। आपके प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि जब गणेश गोदयाल और नेता प्रतिपक्ष को गढ़वाल से जिम्मेदारी दी गई थी, हरीश रावत ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया, हरीश रावत ने यह बात तब क्यों नहीं कही, अपने आप को उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेता बनाया। यह मैं तो नहीं कह रहा, आप ही के प्रभारी कह रहे हैं। आप बोलिए भास्कर जी, फिर आ रहा हूं संजीव जी आपके पास। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी बातें हुई है, कोई अगर मन की पीड़ा है या किसी की कोई बात है या किसी प्रकार की दुविधा है, सबके सामने बोल देते हैं। हमारे यहाँ इस बात के कोई भी वो बात नहीं होती है कि हमें चुप करके बात करनी है, कमरे में जाकर रोना है, लेकिन कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालनी है। ये काम बीजेपी में होता है और आप लोकतंत्र की आवाज का जिक्र कर रहे हैं, शब्द का इस्तेमाल कर एक लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तो लोकतंत्र है कि जब जनता के सामने अपने मन की बात कह सकते हैं, लोगों के सामने खुलकर कह सकते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे यहाँ मतभेद, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं, तो आपको मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो, कंटिन्यू जारी रखिए। धन्यवाद, हम लोग तो इसी, हाँ ये जारी रखिए, धन्यवाद, हम तो इसी नेचर के लोग हैं। हाँ, हम लोग जनता को अपना परिवार मानते हैं और बीजेपी के मुझे लोग सब मालूम है, मानते हैं, मुझे सब मालूम, हम जनता को पाकिस्तानी और विदेशी लोग मानते हैं। हाँ, मुझे हमारे इसमें मुझे सब मालूम है।